सलमान खान की मोस्ट अवेटेड मूवी टाइगर 3 से पब्लिक को बहुत उम्मीदें थी। यहाँ तक कि मूवी को ओपनिंग बहुत तगड़ी मिली थी, लेकिन उसके बाद मूवी का मोमेंटम काफी ठंडा पड़ता गया। पहले वर्ल्ड कप की फीवर को दोष दिया गया, बाद में लो कंटेंट ने सारी पोल खोल दी, और उसके बाद तो एनिमल का अटैक ने सलमान खान की टाइगर 3 को चारों खाने चित कर दिया। बहरहाल सलमान खान की टाइगर 3 के डिजास्टर एक्सपोजर ने उनके कई सारी फिल्मों पर खतरे की घंटी बजा दी है, और कहा जा रहा है काफी सारी फिल्में जो बनने को तैयार थी अब उनको पोस्टपोन करके दूसरे प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। सबसे बड़ा नाम आता है टाइगर वर्सेस पठान का, जो कि स्पाई यूनिवर्स की बहुत बड़ी मूवी थी, और पठान के बाद ही उसकी कहानी पर काम चालू हो चुका था। चूंकि शाहरुख खान जवान पठान दे चुके हैं, इसलिए वो कंटेंट से कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते, यहाँ तक कि मूवी के मार्केटिंग को लेकर बहुत फोकस रहते हैं। और सलमान खान की इमेज उनकी पर्सनालिटी को बट्टर लगा रही है, बिकॉज राधे हो गई, अंतिम हो गई, किसी का भाई किसी का जान हो गई, और अब टाइगर 3, सारी फिल्मों ने पब्लिक की उम्मीदों पर खरा उतरने में नाकामी हासिल की है। इसलिए आदित्य चोपड़ा ने शाहरुख खान ने मिलकर टी वर्सेज पी यानी टाइगर वर्सेज पठान को होल्ड करने का डिसीजन लिया है, बिकॉज वो चाहते हैं पहले पठान 2 आए, ऋतिक की वॉर 2 आ जाए, फिर जाकर पब्लिक के बीच में जो स्पाई यूनिवर्स का फीवर है फिर से जिंदा हो जाएगा, और लोग टाइगर 3 के हास्य को भूल जाएंगे, तब जाकर सलमान खान शाहरुख खान की टाइगर वर्सेज पठान पर काम करना चाहिए। इसके अलावा शाहरुख खान ने टाइगर वर्सेज पठान की कहानी पढ़ी है, वो चाहते हैं इसकी स्क्रिप्ट पर और भी काम हो, इसलिए जिस मूवी की शूटिंग पहले साल 2024 यानी अगले साल होने वाली थी, अब कहा जा रहा है टाइगर वर्सेज पठान को साल 2026 में बनाया जाएगा, यानी करीब 2 साल का पोस्टपोन सलमान खान की टाइगर 3 की वजह से हो चुका है। वैसे भी टाइगर फ्रेंचाइजी के जो मालिक आदित्य चोपड़ा, वो चाहते थे सीनियर स्पाई का जो हमारा टाइगर है वो अच्छे से परफॉर्म करे, लेकिन पूरे स्पाई यूनिवर्स में आजकल सबसे कमजोर कड़ी बन चुकी है सलमान खान की टाइगर 3, और उनसे आगे निकल चुके हैं वॉर एंड पठान। बहरहाल सलमान खान के साथ जो भिड़ंत वाला मामला है शाहरुख खान का टाइगर वर्सेज पठान में, उसके लिए अब आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, बिकॉज सलमान खान अपनी मूवी को लेकर उस तरह का डेडिकेशन नहीं दिखा रहे हैं जो SRK और ऋतिक रोशन दिखाते हैं अपनी वॉर पठान के लिए। बहरहाल इस पूरे पोस्टपोन के बाद सलमान खान अपनी 2 फिल्मों की डेट दे चुके हैं, बिकॉज उनको टाइगर वर्सेज पठान से विंडो फ्री मिल गई है। अब उनकी आने वाली मूवी बन चुकी है दाबुल, जिसे विष्णु वर्धन बनाने करण जौहर के साथ, जबकि दूसरी मूवी हो सकती है राजश्री प्रोडक्शन की बरियात्या के साथ प्रेम की शादी। हालांकि सारी की सारी बातें भी पुख्ता नहीं है, बट ये बातें आगे चलकर क्लियर हो जाएंगी। बहरहाल पब्लिक के बीच में टाइगर वर्सेज पठान का जो मोमेंटम बना था, उसको 2 साल का गैप मिलना काफी तगड़ा सेटबैक है सलमान खान के स्टारडम के हिसाब से। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।